कोरोना से बचाव व जागरूकता के दृष्टिगत धर्मगुरुओं की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक कोरोना टेस्टिंग कराई जाए ताकि इस बीमारी के संक्रमण को लोगों से बचाया जा सके, क्योंकि जीवन बचाना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने इस बीमारी के प्रति जन जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि बचाव ही इलाज है। सीडीओ ने धर्मगुरुओं से कहा कि समाज में उनकी अपील महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मंदिर मस्जिद चर्च में कार्यरत सभी लोगों की कोरोना टेस्टिंग अवश्य कराई जाए। कोरोना टेस्टिंग के लिए जनपद में कुल 27 केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5 यूनिट मोबाइल टीम लगाई गई है, जहाँ निःशुल्क कोरोना की जाँच की जाती है। प्रतिदिन जिला प्रशासन द्वारा 3000 टेस्टिंग की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने आह्वान किया कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर ने कोरोना केसेस की बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय से टेस्ट करा लिया जाए और बीमारी पकड़ में आ जाए तो उसका निदान कराकर संक्रमित व्यक्ति को बचाया जा सकता है और संक्रमण को रोका जा सकता है। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा धर्मगुरु मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, ये सब आपको बताने का एक छोटा सा उद्देश्य ये है कि चीजें तो बड़े खुल गई हो, सब चीजें सामान्य आपको लग रही हो, पर क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं, तो हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। हमने अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग बैठक की है। हमारे वर्ग आप जिस भी वर्ग से पूछते हैं, हम उस वर्ग साथ बैठक की है और उससे हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। पर हमें ये लगा कि हमें धर्मगुरुओं से अलग से बैठना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मंदिर के संचालन से, मस्जिद संचालन से, गुरुद्वारे संचालन से, गिरजाघर संचालन से एनी हाउ आप जुड़े हुए हैं, और आपके साथ भी जाने जाने 15-20-25 लोग का स्टाफ काम करता है। ये ज़्यादा भर भी सकता है और घट भी सकता है। स्टाफ हमारा मंदिर के पुजारी से लेकर मंदिर का मैनेजमेंट जो लोग देखे सबकी बात कर रहा हूँ, या मस्जिद के जो प्रधानमंत्री मौलवी तो उनसे लेके जितने एक गेट लोग वहाँ देखते सबकी बात कर रहा हूँ। एक चीज़ ये समझिए कि जहाँ कहीं भी कोई भी सोशल गैदरिंग होगी, मतलब कहीं भी लोगों की गैदरिंग होगी, जैसे यहाँ भी अभी इसमें 30-35 लोग दिख रहे हैं हम लोग के अलावा, वहाँ पे इस वायरस के फैलने की संभावना से इंकार नहीं है होता है। इसीलिए आपको बेसिक एटिकेट्स बताए जाते हैं कि मास्क लगाए रहें, मास्क किस तरह लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बताई जाती है, मास्क और सैनिटाइजर्स का यूज बताया जाता है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें पर्याप्त सब बताया जाता है। ये बड़ी बात है क्योंकि ये सारे धर्म स्थल खुल चुके हैं, मंदिर मस्जिद खुल चुके हैं, तो लोगों का पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ या हमारा जिला प्रशासन ये चाहता है कि इन सभी धर्म स्थलों में जो लोग हैं वो लोग भी कोरोना जांच कराएं, और कोरोना जांच कराने के अलावा उनसे संबंधित जितने लोग हैं, जैसे जो लोग वहाँ आते हैं, जो लोग वहाँ के नियमित विजिटर्स हैं, उनको भी कोरोना जाँच के लिए प्रेरित करें। हम लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कोरोना जाँच के बारे में बता दूँ कि यहाँ शहर में 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसे PSC कहते हैं। 22 PSC के अलावा 5 हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट्स, मतलब 5 एम्बुलेंस होती हैं जिनके माध्यम से हम प्रतिदिन कोरोना की जांच कराते हैं। 22 + 5 = 27 स्थलों पर कोरोना की जांच प्रतिदिन होती है, जो कि एकदम फ्री होती है, जिसका कोई पैसा नहीं होता है। ये गोरखपुर प्रशासन का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आपको कोरोना की जाँच इन 22 या तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ जाके, या इन 5 जो यूनिट्स होती हैं जो अलग अलग मोहल्लों में लगती हैं वहाँ जाके अपनी जाँच आप करा सकते हैं। सुबह 9 बजे से करीब 2 बजे तक ये लगे रहते हैं वहाँ पे, और एक पूरी मोबाइल यूनिट में करीब करीब 100 + 60 डिग्री टेस्टिंग वो लोग करने के लिए सक्षम है, इतने लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। 30-35 को कम से कम 20 से बुरा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर में कम से कम 20 लोग रहते हैं आपके साथ, ये 20 100 भी हो सकता है और 20 5 भी हो सकता है। पर मैं लोकसभा बात कर रहा हूँ, मैं 3000 या 4000 लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर में मान लीजिए आप कुतवाली पे किसी मंदिर के पुजारी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कुतवाली कोई मंदिर है, आप उसके पुजारी हैं, तो आपके मंदिर में आपके अलावा मान लीजिए 7 या 8 लोग और रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा, अगर खुदा न खास्ता या भगवान न करे आपको कोरोना हुआ, आपको पता नहीं, तो ये एकदम फिक्स है कि आप नेसेसरी जो एहतियात है वो बरत नहीं रहे हैं, तो आपके साथ जो 7-8 लोग आपके साथ घूम रहे हैं, आपके मंदिर में हैं, उनको कोरोना होना तय है, क्योंकि
क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप उनके साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, तो उनको तय हो जाएगा। उसके बाद जो लोग भी आएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनको आइडिया हो, आप प्रसाद देंगे, ठीक है, वो घंटा बजाएंगे या पूजा करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, जो भी करेंगे, तो उससे इस वायरस का फैलना ही बढ़ सकता है। इसीलिए अगर ये पता रहे कि आपके साथ जो साथ हो रहे हैं आप, उसमें से कोई संक्रमित तो नहीं है, तो कितना बेहतर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप संक्रमित होते हैं, मान लीजिए आप संक्रमित हैं, तो आपको एक नेसेसरी प्रोटोकॉल बता देंगे, आप 7 दिन 10 दिन 14 दिन घर में रहिए, ये दवाई खाइए, उसके बाद टेस्ट कराइए, आप एकदम सही हो जाएंगे। तो आपने अपने आप को सेटअप से अलग कर लिया, आप अपने घर में बंद हो गए या हॉस्पिटल चले गए, जहाँ भी चले गए, और आप सही हो गए। बाकी तो 7 लोगों को आपने बचा लिया, और जो भी बाकी लोग वहाँ दर्शन करने हैं उसको आपने बचा लिया। तो इसीलिए हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद और हर एक चर्च या जो भी मदरसा है, जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें प्रत्येक इंसान की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्टिंग होने से उसकी जान तो बची रहेगी, वो अपने साथ जो 100, 200, 500 लोग और संपर्क में आने वाला है उनको भी वो बचा सकता है। कई तरह की अभी सीडियो सर आएंगे तो आपको डिटेल में फोटो से दिखाएंगे इस पर कि टेस्टिंग कराने या ना कराने से क्या नुकसान या फायदा हो सकता है। ना कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। जैसे लोग समझते हैं अरे कोरोना है मतलब अपने आप सही हो जाऊंगा, कुछ नहीं कोरोना कोरोना कुछ नहीं होता है, तो ये सब चीजें आपका भ्रम है और मिथ्या है, साफ साफ बता दे रहा हूँ। आप इसकी जैसे ही जांच करा लेंगे तुरंत आपको यहाँ कंट्रोल रूम से फोन चला जाएगा कि भैया आपको पॉजिटिव आ गया है, आप अपने घर में रहिए, आप ये बेसिक दवाएं खा लीजिए। और विश्वास मानिए कि यहाँ भी कई ऐसे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जिनको कोरोना हुआ है और वो वापस ठीक हो गया है, आपके साथ काम कर रहे हैं, कोई कठिन चीज नहीं है। पर हमारा इग्नोरेंस जो होता है, हम जो सोचते हैं कि नहीं ये सबसे कुछ नहीं होगा, अपने आप सही रहेंगे, इसी के कारण यहाँ जाने जा रहे हैं। जो डेथ हो रही है यहाँ गोरखपुर में, इसका सबसे मेन कारण ये है कि लोग जो अगर जागरूक नहीं है या इग्नोर कर देते हैं खबर को कि अरे सर्दी खांसी दिमाग में कोई बात नहीं, 2-3 दिन मैं अपने बगल बेटे से दवा ले लेता हूँ, खा लेता हूँ, सही हो जाऊंगा, या ये कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ या घरेलू नुस्खा करा लेता हूँ, ये नहीं करना है। आपको प्रतिदिन गोरखपुर प्रशासन 3,000 टेस्ट की सुविधाएं दे रहा है मिनिमम, इसके अलावा प्राइवेट लैब को अलग, 42 रुपये बड़े अलग, 3,000 टेस्ट की सुविधा आपको दे रहा है, आप प्लीज उस सुविधा का लाभ उठाएं। आप चाहिए तो कोई भी पेपर उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी व्हाट्सएप का आजकल ग्रुप चले हैं बहुत सारे, उसमें चेक कर लीजिए, आप चाहिए तो सुबह रेडियो सुन लीजिए, आपको उन लोकेशंस के बारे में पता चल जाएगा कि जहाँ पे आज हमारी टीम लगी हुई है जो जांच कर रही है। आप सीधे वहाँ जाए, कहीं मुझे जांच करानी है, आपसे कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं मांगेगा। प्राइवेट लैब्स में तो हो सकता है एक बार आपसे पैसा लिया जाए, उसका रेट निर्धारित होता है 1500, 2000, 2500 भी रेट होगा, यहाँ सरकारी में कोई भी पैसा नहीं मिलता है। आप जाइए जांच कराइए, जांच कराने में दो चीजें हो सकती है, या तो जांच कराने पे आपका पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव आएगा तो हंसी खुशी अपने घर जाइए और जैसे रहते हैं मास्क लगा के दूरी बना के अपना रहिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या बढ़ती है तब जो जिले के कंट्रोल रूम है या हमारी जो टीम से लगी हुई रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो तुरंत आपके घर पहुँचती है, वो आ रहा चीज है, वो आपके घर आएगी, आपसे पूछेगी, इन्फॉर्म करवाएगी। अगर आप लगता है हाँ मुझे अस्पताल में सुविधाएं प्रतिदिन हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि वो पहले से बेहतर होती जाए, तो अस्पताल में भी आप जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं वहाँ मिलेगी। हमारे पास वेंटिलेटर्स पर्याप्त है, ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त है, उसके बाद उस सुविधाओं का उपभोग करके आप साथ समय रुक जाएंगे। पर अगर आपने बिना इलाज कराए घर में रुकने की गलती की या आस पास रुकते रहे तो आप अपने साथ कम से कम 500 से 700 लोग संक्रमित करेंगे और ये बीमारी इसी तरह फैलती जाएगी। जो 3 महीना पहले तक 0 था वो 12,000 होने का कारण भी प्रमुखता यही है, सबसे बड़ा कारण यही है। तो आपको वहाँ पर ले जाया जाएगा, आपकी एक्सरे और ब्लड टेस्ट करने के बाद में वहाँ के डॉक्टर सुझाव देंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप L2 या L3 में वहाँ से रिफर किए जाएंगे, या अगर आपके बॉडी का कुछ भी मतलब ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है जो तो खतरनाक साबित हो तो आपको घर पे रहने की सलाह दी जाएगी, साथ ही आपको दवाएं भी फ्री मिल जाएंगी। अतः इससे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन का आपको सहयोग भी किया जाँच कराने में, प्रशासन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि शहर में 100% सबकी जांच हो,
ये कोरोना संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है इसको हम लोग तभी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करूंगा कि आप लोग सहयोग करेंगे। आप जो जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, अपने अंतर्गत काम करने वाले 30, 50, 100 जितने भी हैं, सबको प्रेरित कीजिए, खुद भी जांच कराइए। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद ही कोरोना पॉजिटिव हुआ था। मैंने तुरंत इसकी जांच कराने के बाद जितना यथाशीघ्र आपको पता चल जाए कि कोरोना हुआ है, अगर आप लेट करेंगे तो वो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बॉडी के अन्य पार्ट में, तो लंग्स में भी फैल सकता है। इसलिए जितना जल्दी ये संक्रमण का पता चल जाए, आप उतना जल्दी आसानी से बच सकते हैं। मैं इसी आशा के साथ में कि आप लोग जांच में सहयोग करेंगे, खासकर धर्मगुरुओं को यहाँ पे जो मिलाने का उद्देश्य है वो दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला चीज़ ये कि आप धर्मगुरु हैं, आपका समाज में एक अपील होता है। आप जो आप लोगों को जो बात बताते हैं वो साधारण रूप से वो उसका पालन करते हैं। तो आप लोगों को अपील करें, आप लोगों से अपील करें, ये कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी आवश्यक है। यदि आपके आप सावधान में रहेंगे तो ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग जितने आपके मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा में जितने भी सदस्य हैं, जैसा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आप लोगों से अनुरोध किया कि सबसे पहले आप लोग बढ़ के अपना टेस्ट कराइए। सांस नहीं आ रही है, आप लोग ये समझिए कि ये वाली सांस जो नहीं आ रही है, आप किसी पब्लिक मीटिंग में है तब ठीक है कि थोड़ी देर का कष्ट होता है लगा लीजिए, पर जब फेफड़ों से सांस नहीं आती ना, सर के पास रात में 2 बजे फोन आता है कि साहब सांस नहीं आ रही, उनके 3 बजे 4 बजे किसी भी तरीके से मुश्किल से फिर पसीने भी नहीं होती है, फिर उनको कम से कम 1 मिनट में 30 लीटर ऑक्सीजन नाक में देते हैं, तब भी शायद बचे ना बचे। तो अगर क्षणिक कष्ट के लिए हमें ज़्यादा लंबा समय मिल जाता है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोग प्रोत्साहित करें। और उसके बाद भी जो लेने देने की वस्तु है, जैसे कि यथासंभव प्रसाद वगैरह देना इस समय, या जो भी आपके स्थलों पे जो हो उस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करें। मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं, केवल वहाँ रहने वाले ही नहीं, जो लोग आते भी हैं उनको भी आप लोग प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नहीं उठा के लेके जाने वाला है। आपकी सब लोग इस समय पहले की नहीं थी, क्योंकि पहले हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई जितना कम है लोगों को कंटेन कर लें, पर अभी क्या हो गया है कि अब हम लोगों ने घर में रहने का प्रावधान बना दिया है। तो अगर आप लोग घर में रहते हुए हम लोगों को सही कर पा रहे हैं, इसीलिए घर में रहने का दिया है। अगर मेन सबका यहाँ पे मोटिव है कि लोग पकड़ में ना आए, और अगर पकड़ में आ गए हो तो उनको उचित लेवल पे इलाज मिले, ठीक है। 4 लेवल यहाँ पे डिसाइडेड है, एक घर है, एक अस्पताल में 1, 2, 3 नंबर की लेवल है। जिनके घर में सुविधा नहीं है वो अस्पताल के पहले लेवल में भर्ती रहते हैं, जिनको थोड़ी और अंग्रेजी कोई सांस की दिक्कत होती है तो वो दूसरे लेवल पर रहते हैं, और बहुत सीरियस केस में 3rd लेवल पर जाते हैं। तो यदि हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा नंबर में तो घर है, उससे थोड़े कम हमारे पास 1 नंबर के लेवल के अस्पताल हैं, तो यहीं पर अगर हमारा संक्रमित व्यक्ति मैनेज हो जाना है तो जो 3 लेवल के हैं अस्पताल, जहाँ पे सबसे कम हमारे पास अस्पताल भी है और जहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा आता है लोगों का, वहाँ तक जाने की नौबत ना आए। जितने लोग जितना ऊपर जाते हैं उतनी उनकी वापस आने की संभावना कम होती है, आप मान लीजिए। घर में और 1 नंबर के अस्पताल में सही होकर आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, 2 से थोड़ी कम होती है और 3 में कम हो जाती है। आते हैं लोग लेकिन हम 10 तक पहुँचे ही, ठीक है। देखिए कोरोना जो है बहुत कमजोर वायरस है, लेकिन हम इसको मजबूत बना रहे हैं। अगर इसमें डिले ना हो, देरी ना हो, तो कोरोना को हर कोई हरा सकता है। बहुत ही सिंपल है, बताना चाहूँगा कि कोरोना को अगर वैज्ञानिक तरीके से लड़ा जाए तो इसको हराया जाए। अब
हमें जो समस्या आ रही है पिछले एक डेढ़ घंटे में जो हमारा अनुभव है आपसे साझा करना चाह रहे हैं, होता क्या है कि जैसे किसी को कोई सिम्टम आता है, बुखार खांसी कुछ भी आता है, तो पहले क्या करता है जो हमेशा करता है, गलत भी नहीं है, वो सोचता है कि इस मौसम में वायरल बुखार आया होगा और वो अपना इलाज करता है, वो मेडिकल स्टोर पर जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा या खुद अपना जो दवाई घर पर रखी है वो खाएगा। ये हो रहा है, ये आम करता है, मैं इसको ये हम लोग बचपन से करते आए हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं इसको गलत सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन महामारी के दौर में इसको बदलना है। ये जो मैं आपको एक्सरे दिखा रहा हूँ, एक पेशेंट का एक्सरे है, इनके लक्ष्य में ये जो काला काला दिख रहा है ये कोरोना का, इन पेशेंट ने 10 दिन की देरी कर दी, इन पेशेंट ने 10 दिन की देरी कर दी, जब इनको पता लगा कोरोना पॉजिटिव है तब भी ये अपना इलाज शुरू करते रहे, ये किसी भी अस्पताल सरकारी अस्पताल के उसमें नहीं है, और 10 दिन के बाद जब रात को मेरे साथ कंटेक्ट हुआ कि सर सांस नहीं आ रही, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, एक दिन भर्ती रखा, अब ये लोग बोल रहे यहाँ से भेजिए, ये सीरियस कंडीशन, तो हमें भी उस दिन बीआरडी ले आना था, जब बीआरडी गए तो डॉक्टर से बोला कि सर ये तो बहुत हेल्दी पेशेंट है, 50 साल का है, इसको इस स्टेज पे तो आना ही नहीं चाहिए, ये अगर पहले दिन ही जो सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब दवाई है उसको खा लेते तो ये इस स्टेज पे नहीं है। ये स्टेज वो है जिसमें लंग्स पूरे का पूरा खराब हो जाता है, ये क्यों हो जाता है, क्योंकि हम टेस्ट कराने से कतरा रहे हैं, हमारी टीम जाती है टेस्ट कराने के लिए, लोगों को अपील करती है, लोग आगे नहीं है, टेस्ट कराने से कुछ क्या होगा, पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, आपको उसी समय दवाई दे दी जाएगी, एक पूरा पैकेट, उस दवाई के नाम तक हम बता देते हैं, उसमें आइवरमेक्टिन है, उसमें डायऑक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, रेडियम साहब दवाई के एक्सपर्ट है, अभी आपसे मेरे जाने के बाद वार्ता करेंगे, सब बताएंगे, मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा जरूर आपको बताएं, उसमें विटामिन सी है जो आपकी बॉडी की जो लड़ाई करने की ताकत को बढ़ाती है, जिंक है, मल्टी विटामिन है, और वो सरकार आपको दे रही है, सरकार पूरा पैकेट बना के उसी समय आपको दे रही है, बॉडी को ताकत मिलेगी, आप खूब तरह उसके अलावा नींबू पानी पीजिए, आंवला खाइए, जिसमें विटामिन सी है, तुलसी खाइए, अदरक खाइए, बॉडी को ताकत मिलेगी, और साथ में जो सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब दवाई है आयुर्वेदिक वो जरूर लीजिए, जिस डोज पे बात है 95% से ज्यादा लोग उसी से ठीक हो जाते हैं, स्टेज पे नहीं आते, 95% से ज्यादा, इवन डॉक्टर अश्विनी है मेरे पास यहाँ पे, एमओसी है, मैं भंडार के हैं, उन्होंने एक क्रॉनिक किडनी के पेशेंट को टेस्ट करवा दिया, क्योंकि वो सर्वे करते थे, और जिस दिन टेस्ट कराया उसी दिन बीआरडी ले गए उसको, वो कल डिस्चार्ज होकर घर चले गए, किडनी का पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रहा है, क्योंकि वो दवाई उसने टाइम उसने डिले नहीं होने दिया, पहला डिले इस कारण से होता है कि हम अपना इलाज खुद करते हैं। अब हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम भी समझाना है, सिस्टम क्या है कि आपके जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो मेन डॉक्टर्स को सबको ट्रेनिंग दवाई सब दे दी गई है, आप किसी को भी कोई बुखार खांसी आता है वहां जाइए, बोलिए बारह टेस्ट करिए और हमें दवाई दी अगर पॉजिटिव आता, हमसे जाके मांगिए, वो कर रहे रात दिन सेवा कर रहे हैं, हम रोज उनकी शाम को मीटिंग लेते हैं, जूम से मीटिंग होती है, एक एक डॉक्टर से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे नंबर रखिए, कोई फिर समस्या आती है हमसे बात करिए, 24 घंटे हमारे नंबर पर है, 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम खुला हुआ है, कोरोना को हराना है, लेकिन हराएंगे कब, जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हर बंदा अपनी ड्यूटी करेगा, अभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने बताया, अब मास्क का दूसरी जो हमारा रूल है वो मास्क जरूरी है, माननीय प्रधानमंत्री जी तब से लगा तब से मास्क की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अपने अपने समाज को लीड कर रहे हो, आपके प्रभाव में 10-10-20 हजार लोग हैं, आप अगर ये हमारा मैसेज तक पहुंचा दोगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा इस चीज को आगे लेना, क्योंकि जन सहयोग जन सहभागिता चाहिए। आज सुबह 9 बजे मैंने 2000 टीचर्स को वेबिनार से ये मैसेज दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिक के सारे टीचरों के आज सुबह मेरी वार्ता हुई है, वो हमने दी, तो आप लोग हमारा सहयोग करिए, टेस्ट करिए, डिले नहीं होने देना, उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन आने वाला जंत्र उसे ऑक्सीजन आपते रहेगा, ठीक है, उसके बाद
ये जीवन की पूंजी है जो ईश्वर और खुदा का वरदान है कि हम एक साथ पैदा हुए और एक फैमिली का हिस्सा है। ये तो खुदा जाने उसने ये रचना क्यों की है। सबसे बेसिक चीज बता चुके हैं हमारे ज्वाइंट साहब और सिटी मिनिस्टर साहब। मैं आपको करुणा के छोटे से सिद्धांत बताता हूँ, क्योंकि मैं आज भी पूरी रात रिसर्च साइंटिस्ट की तरह पढ़ता हूँ और मेडिकल की और मेडिकल से अब साइंटिस्ट लेवल की किताबें पढ़ता हूँ अपनी नींद हराम करके जागरूकता के लिए कि मैं अपने जीवन में कुछ बदला कर जाऊँ। मैं पैसे का दान दे डेढ़ साल से आपने मेरी सेवा दे चुकी है। पहला प्रश्न ये है कि ये जो वायरस या कीड़ा जो भी मैं आपको बता दूं, वायरस लोग नहीं समझते हैं, ये एक ऐसा प्राणी है धरती का जो जब सीसी में या जमीन में फेंक दीजिए तो मरा है, और ये अगर आपके सांस से आपके शरीर के अंदर घुस गया तो ये जीवित हो जाता है। तो ये एक अमर प्राणी है। ऐसा वरदान ईश्वर ने किसी भी जीव जंतु जीवन को नहीं दिया। ये शरीर से निकलते मृतक और शरीर में घुसते ही जिंदा, ये आप समझ लीजिए। 28 दिन तक ये वायरस आपके शरीर से निकलकर किसी कमजोर व्यक्ति की जान ले सकता है। आपको सारी दवाएं मैं बता दूंगा जितनी मैं एज ए साइंटिस्ट जानता हूं, साइंटिस्ट तो नहीं हूं मैं, जब एज ए विद्यार्थी समझ लीजिए इस पद का, जो मैं जानता हूं विटामिन सी सेलिन नाम से आती है, आप किसी नाम से लें, मैं किसी कंपनी का दलाल नहीं हूं। 500 मिलीग्राम की सुबह 500 मिलीग्राम की शाम को आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, ये सारी दवाएं आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगी। मेरे कर्मचारी आपके सारे नंबर व्हाट्सएप के ले रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ग्रुप बना के हम आपको सारी सिम्टम क्या टेस्ट करने हैं और क्या दवाएं हैं जिन्हें घर में बैठ के हम कर सकते हैं। सिर्फ सांस फूलने की समस्या है तो जिला प्रशासन को कहीं से भी सूचित कर दीजिए, हम आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिला देंगे। करुणा करता क्या है, जब ये शरीर में आपके प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जैसे ये मकान और कमरे ईंटों से बने हैं, ऐसे हमारे शरीर की सबसे छोटी जो ईंट है उसे सेल कहते हैं, बायोलॉजी में सेल सेल कहते हैं। वो जिंदा होती है, वो सांस लेती है, वो ताकत लेती है, वो हमारे शरीर के जरूरी केमिकल्स एंजाइम जो खाना पचाते हैं और जो शरीर की टूट फूट होती है उसके लिए प्रोटीन बना के उसकी मरम्मत करती है। तो ये छोटी सी फैक्ट्री छोटी सी हमारे शरीर में अरबों है। कोरोना वायरस इस सेल में या हमारी शरीर की ईंट में घुसता है, तो जो हमारा केंद्र बिंदु है उसका जो ये सब केमिकल बनाता है शरीर के आवश्यक को उसको हैक कर लेता है। आपने सुना होगा कि हवाई जहाज में पायलट की बंदूक लगा के हैकिंग होती है, ऐसे ही ये कोरोना वायरस हमारे उस न्यूक्लियस को या केंद्र बिंदु को अपने कब्जे में ले लेता है और उसके बाद उससे कहता है जो तुम बना रहे थे शरीर के लिए ये मत बनाओ, तुम मेरा बच्चा या मेरा भाई बनाओ। तो वो मजबूरन जो कि उसके गणपति में बंदूक रखी है और इसने कब्जे में ले लिया है तो ये अपना भाई बना लेता है या अपना पुत्र बना लेता है, जो समझ लीजिए। ये पुत्र को उस ईंट से निकाल के दूसरी ईंट में भेजने के लिए हमारी पहली ईंट को मजबूर करता है कि जो हमारा भाई बच्चा बनाया है इसको आप दूसरे सेल में या दूसरी ईंट में जाने दो। ये उसकी प्रक्रिया है, ये फैलने का उसका तरीका है। इसको आपका सिर्फ जिंक और हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवा है, सोडियम हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये दो दवाएं इसको हमारे न्यूक्लियस केंद्र बिंदु पे कब्जा करने से रोक देती है और दूसरा इसको इसका भाई या बच्चा बनाने से रोक देती है। ये दवाएं अभी तक की है तो दोनों दवाएं अलग अलग, हाइड्रोक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है और आइवर्टामिन जो हमारे सीजो सर कह रहे थे वो एक वर्म हमारे पेट के कीड़ों की दवा है। मगर साइंटिस्टों ने ये पाया है कि ये दो दवाएं अगर जाएंगी शरीर में
लिए तो दवाएं आवश्यक हैं, कोरोना फैल नहीं पाएगा। टेस्टिंग करा लेंगे तो हम किसी को बीमार नहीं होने देंगे, घर में दवा पहुंचा देंगे और सांस फूलेगी तो हम हॉस्पिटल आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। तो सबसे पहले इसको रोकना है। दूसरा जिंक, जिंक की आप 50 मिलीग्राम की मात्रा साइंटिस्टों ने कहा है दिन में एक गोली अवश्य लेनी है। ये तीन बेसिक मेडिसिन है और डॉक्सीसाइक्लिन निमोनिया की दवा है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों में जाने के बाद आप यूं समझ लीजिए ये फेफड़े या हमारे लंग्स एक ऐसा माध्यम है जहां शरीर के सभी लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन एक नाव की तरह आती है और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों में छोड़ देती है और सांस से ली हुई ऑक्सीजन को नाव की तरह अपने ऊपर बैठा लेती है और हर पीढ़ में ले जाती है, जहां ग्लूकोज को इंसुलिन इंसुलिन की प्रेजेंस में जला के ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जिंदा रहते हैं। ये प्रक्रिया है शरीर की। ये जब ये घुस जाता है हमारे लंग्स में पहुंच जाता है तो ये निमोनिया के सिम्टम करके उसके ऊपर एक परत चढ़ाने लगता है हमारे फेफड़ों का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो हमारे लाल रक्त कणिकाओं में बैठनी चाहिए नाव में वो नहीं बैठ पाती है, क्योंकि बीच में दीवार बनानी इसमें, इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होती जाती है और हमारे जो छोटी छोटी इंद्रियां जिन्हें ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों चाहिए है वो मरने लगती है। ये बेसिक फंडा है या सिद्धांत है जो मैं आपको सरल भाषा में समझा सकता हूं। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन बाहर से लगानी पड़ती है, चाहे वो मास्क से सिलेंडर से लगाए और चाहे हम वेंटिलेटर से लगाए। हम जो सेल हमारा जितना एरिया फेफड़ा का बचा होता है उसमें जितनी लाल कणिकाएं आती हैं ब्लड की, उनको एक की जगह दो दो ऑक्सीजन देते हैं कि तुम एक एक को नहीं दो ही को देके जाओ, क्योंकि हमारा बहुत सा हिस्सा कवर है, हम नहीं दे पा रहे। तो हम उससे पहले ये एक्सरे जो दिखाया था ये यही बताता है कि फेफड़े में इंफेक्शन है और फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है, इसके बाद जीवन बचाना संभव नहीं है। अगर फेफड़े का एक शरीर का आपकी उर्दू की कहावत बता रहा हूं, जिंदगी क्या है, चंद अनासिरों की जरूरत करती। आप सभी लोग अगर उर्दू समझते हुए मेरी लखनऊ की परवरिश है, सभी सिस्टम या सभी संयंत्रों का एक साथ काम करना ही जिंदगी है। मौत क्या है, इसी जमूरे तरतीब का जुदा होना, यानी हमारे सिस्टम का अलग अलग काम करना। फेफड़ा अपनी मर्जी से चल रहा, दिल अपनी मर्जी से अलग काम कर रहा, किडनी अलग मर्जी से काम कर रही, गुर्दा अलग मर्जी से काम कर रहा और दिमाग का राजा अलग मर्जी से काम कर रहा। जब इनमें तालमेल नहीं होगा वही मौत है। तो हमें सबको तालमेल में रखने के लिए दवाओं के दम पर हम बचा लेंगे। दवाएं भी आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगी, सीएमओ साहब ने कैसे कैसे कौन दवा खानी है ये सब आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। आज धर्म गुरुओं की बैठक की गई थी और कोरोना से बचने के उपाय जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, हाथ को धोना है, ये सब उनको सोशल डिस्टेंसिंग है और घर से बाहर आते ही मास्क लगाना है, मास्क को अंदर बाहर से एकदम नहीं छूना है, केवल कान की डोरी पकड़ के इसे हटा के पानी पीना है, खाना चाय खाना पीना है, लेकिन इसके मास्क को बाहर अंदर से नहीं छूना है। और कोरोना के जो सिम्टम हैं उसके लिए तुरंत जो दवाइयां हैं सीएमओ साहब ने डिस्क्राइब की हैं और लिखी हैं मुझको दी थी, वो मैं सभी को व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पर शेयर कर लूँगा। और सभी हमारे अधिकारियों ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जॉइंट सर ने और मनोज तिवारी जी ने, पवन जी ने, सभी लोगों ने टेस्ट की अपील की है। घबराइए नहीं, ये बीमारी घातक ज़रूर है लेकिन हम सबकी जान टेस्ट करके और दवाइयाँ खा के बचा सकते हैं। लोगों ने धर्म गुरुओं को बताया है और ये जंगल की आग तक हर घरों तक पहुंचा देंगे और ईश्वर का वरदान रहा तो हम लोग सबकी जान बचाने में सफल रहेंगे।
धर्म गुरुओं के साथ हमने उनसे आह्वान किया है, अपील की है कि हमारी जो टीमें टेस्ट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराए, इसमें देरी ना करें, क्योंकि देरी जो है कोरोना में घातक है। जो अभी हमने पिछले 10-20 दिन में जो हमारा अनुभव है, जब हमने टेस्ट बहुत बढ़ाए हैं तो लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं आ रहे सामने, तो हमारी लोगों से अपील है कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ। और जो जो पॉजिटिव भी आ जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी दवाई खुद लेने लग जाते हैं, और वो हमारा अपील है कि वो अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर है उनके टच में रहें, और जहाँ ज़रूरत पड़े तुरंत आके हमारे जो L1 L2 L3 फैसिलिटी में एडमिट हो जाए, और हमारे डॉक्टर्स हमारी जो मेडिकल टीम है वो उनकी केयर करें।